आज हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। आज हम इन दोनों को देखेंगे। नेक्स्ट आज के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम वेरिएबल्स को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कांस्टेंट्स को भी देख लेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? एक्चुअली वेरिएबल आर यूज्ड बाय विजुअल बेसिक टू होल्ड इंफॉर्मेशन नीडेड बाय योर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक के अंदर जो हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, हम उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन अपनी डाल रहे होते हैं, हम इनपुट्स दे रहे होते हैं, वो इनपुट की वैल्यू को किसी ना किसी जगह पर होल्ड करना पड़ता है। उसके लिए हमें चाहिए कोई जगह, कोई लोकेशन, और वो है वेरिएबल। वेरिएबल्स जो हैं, आगे एक लोकेशन है, ये एक रैम के अंदर एक छोटी सी लोकेशन होती है, डिपेंड अपॉन द वेरिएबल साइज। 8 KB की भी होती है, 16 KB की भी होती है, 32 KB की भी होती है। ये माइक्स बंद करो अपने सारे, रिकॉर्डिंग हो रही होती है पीछे जो है वो, आप लोगों के सबके माइक्स जो है वो चल रहे होते हैं। किधर गया ये शुएब? ये पीछे तुम्हें क्या मसला है? जब तक मैं क्वेश्चन आंसर ना सेशन ओपन करूं कि क्वेश्चन आंसर करें, उतनी देर तक जो है मेहरबानी करके अपने माइक सारे बंद रखें। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो इसके अंदर ऑप्शन होती है, आप अपना हैंड रेज आउट करें, वो मुझे अलर्ट आ जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो बात करना चाह रहा है। तो फिर मैं जब अलाउ कर दूंगा तो आप माइक ओपन करके बात कर लें। ऐसे बीच के अंदर ना वो कटिंग और वो दूसरी चीजें ज्यादा मसले आ जाते हैं। ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको भेजने होते हैं, ये बीच में दूसरी आवाजें बंद करें अपनी। वेरिएबल मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, और ये मेमोरी कौन सी है? ये रैम के अंदर एक लोकेशन होती है। वेरिएबल का साइज 8 बिट भी होता है, 16 बिट भी होता है, 32 बिट भी है, और इससे ज्यादा साइज का भी वेरिएबल होता है। और लेकिन ये साइज जो है वो डिपेंड करता है वेरिएबल की टाइप्स के ऊपर। छोटा वेरिएबल भी होता है, बड़ा वेरिएबल भी होता है, उससे बड़ा वेरिएबल भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है। जितनी बड़ी आपने वैल्यू स्टोर करवानी है उस हिसाब से आप वेरिएबल का साइज मुतय्यन करते हैं, वेरिएबल उस हिसाब से आप सिलेक्ट करते हैं। जिस हिसाब से आपको वेरिएबल, जितनी बड़ी आपको वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है उस हिसाब से आप वेरिएबल का साइज सिलेक्ट करेंगे, और उस हिसाब से वेरिएबल आप सिलेक्ट करेंगे। हर वेरिएबल का एक साइज डिफाइन होता है। तो वेरिएबल के अंदर जो आप रूटीन रोजमर्रा के अंदर भी देखते हैं कि आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हैं, आप जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आइटम्स एंटर करता है, स्कैन करता है, और साथ जितनी आपने क्वांटिटी दी होती है उस क्वांटिटी को वो उसके अंदर मैन्युअली टाइप करता है। अब वो जो क्वांटिटी जो आपने चीज की परचेज की है उसको जब वो मैन्युअली टाइप करता है तो वो जो चीज टाइप होती है, जो वैल्यू फिगर टाइप होती है, अमाउंट टाइप होती है, क्वांटिटी टाइप होती है, वो चीज जो है वो किसी ना किसी जगह के ऊपर जाके स्टोर होती है।
और जब वो स्टोर होती है तो वो चीज जो है आपके पास क्या कहलाती है भला, वेरिएबल, जिस जगह पे। अब ये आप देखते हैं, ये मैंने भी एग्जांपल दी है, साइन और अ नेम दैट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ प्रोग्राम मे स्टोर अ डाटा व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है, मिसाल है कि कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम है, कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो उस प्रोग्राम के अंदर आप जब वैल्यूज दे रहे होते हैं, आप 2+2 करते हैं, तो 2 की जो वैल्यू आप एंटर करते हैं वो वैल्यू किसी जगह पर जाके स्टोर होती है, और वो जो वैल्यू स्टोर होती है वो किसी लोकेशन पे स्टोर होती है, और उस लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस, वेरिएबल का नाम रखते हुए हमें कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ता है। हर लैंग्वेज के अंदर कुछ असूल होते हैं वेरिएबल्स का नाम रखने के, तो विजुअल बेसिक के अंदर भी जो वेरिएबल्स का नाम रखे जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और सो ऑन है, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, कंट्रोल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और काफी सारा चीजें हैं, इन सब के जब हम नाम रखेंगे तो हमें इनके नाम रखने के वक्त हमें कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, और वो जो जिन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा उन चीजों को हम नेमिंग कन्वेंशंस कहते हैं। जब भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है, ये इट मस्ट बी बिगन विद लेटर, ये यहां पर ये आपके पास शो हो रहा है, अ नेम मस्ट बी बिगन विद अ लेटर। वेरिएबल का नाम जो है आप लोअर केस में भी रख सकते हैं, आप अपर केस के अंदर भी रख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट होगा सिर्फ अल्फाबेट से, और उसके बाद आप कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम जब शुरू होगा वो अल्फाबेट से ही शुरू होगा, और इसकी ज्यादा से ज्यादा जो लेंथ है वेरिएबल की वो हमारे पास 255 करेक्टर तक मुश्तमिल है। 255 करेक्टर से बड़ा हम वेरिएबल नहीं रख सकते। अब इसकी एक और यानी मैं मिसाल देता हूं, ये आपके पास वेरिएबल है कॉस्ट के नाम से, ये है। अब आप वन कॉस्ट, यहां पर आप इसको ऐसे लिख देते हैं वन कॉस्ट, तो दिस इज अ नॉट वैलिड वेरिएबल नेम। आप कॉस्ट के बाद यहां पर वन का लफज, वन का डिजिट जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट लिखने से पहले आप इसको वन यूज नहीं कर सकते, ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ, ये हम इन चीजों को, नेक्स्ट रूल है नेमिंग कन्वेंशन के अंदर, मस्ट नॉट कंटेन अ स्पेस और एन एम्बेडेड पीरियड और टाइप डेक्लेरेशन करेक्टर यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डेटा टाइप। दीज आर, ये आयोटा का साइन है, नंबर साइन है, परसेंटेज है, डॉलर साइन है, ये जो ऊपर सिंबल्स दिए हैं। वेरिएबल का नाम रखते हुए कभी भी आप लोगों ने
ये जो सिंबल हैं जो आपके कीबोर्ड के ऊपर दिए हुए सिंबल्स, कभी भी वेरिएबल का नाम रखते हुए आपने ये सिंबल यूज नहीं करने। दूसरी अगली बात कि ये जो रिजर्व वर्ड्स हैं ये आपने कभी भी यूज नहीं करने। कुछ लैंग्वेज के अपने वर्ड्स होते हैं जिनको रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं, जो लैंग्वेज के अपने वर्ड्स हैं। मसलन जैसे हम कल देख रहे थे कंसोल डॉट राइट लाइन, अब जो कंसोल का लफज है ये हमारे पास रिजर्व वर्ड है, ये लैंग्वेज का अपना लफज है, हमने इस लफज को वेरिएबल के तौर के ऊपर नहीं यूज करना। राइट लाइन का लफज जो है ये लैंग्वेज का लफज है, इसको हमने यूज नहीं करना। इस तरह रीड लाइन का लफज है, इस तरह और अल्फाज हैं इसके अंदर, तो हम उन अल्फाज को यूज एज ए वेरिएबल का नाम यूज नहीं करेंगे। डैश साइन है, ये हमारे पास एक लीगल है और लेकिन इसको वाइड करना चाहिए, और हम इसको डैश को बहुत ज़रा लोग फिर भी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूं यहां पर आपको। मसलन वेरिएबल का नेम है, आपने लिखना है फाइनल कॉस्ट, तो फाइनल कॉस्ट के दरमियान में आप स्पेस अलाउड नहीं है, और फाइनल कॉस्ट के दरमियान में या तो आप फाइनल कॉस्ट को, आप इन दोनों चीजों को आपस के अंदर आप जोड़ लें, और अगर आपने इन चीजों को आपस के अंदर नहीं जोड़ना तो आप इन दोनों के दरमियान के अंदर डैश का निशान आप सिंबल ये जो है करेक्टर जो है स्पेशल करेक्टर डैश का ये आप यूज कर सकते हैं। डैश के अलावा ये जो डॉलर साइन है, नंबर साइन है और किस्म के मुख्तलिफ साइंस हैं, इन साइंस को आप इसके अंदर वेरिएबल का नाम रखते हुए यूज नहीं कर सकते। फाइनल कॉस्ट 2019 इस तरह करके आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 2019, क्यों, हमने इसको जो यूज करना है वो हमने 2019 जो है ये हमारे पास न्यूमेरिक है, और नेमिंग कन्वेंशन के असूल के मुताबिक हमने वेरिएबल का नाम रखते हुए हमने उसको ये मेक श्योर करना है कि इट स्टार्ट विद अल्फाबेट। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वेरिएबल की डिक्लेरेशन के ऊपर बात हो रही है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है और एक हमारे पास इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल की। एक्सप्लिसिट जो डिक्लेरेशन होती है वो हमेशा बिगनिंग वेरिएबल, क्या एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसीजर इन द डिक्लेरेशन सेक्शन। वेरिएबल का डिक्लेरेशन सेक्शन होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो जब मैं प्रोग्राम लिख के अभी दिखाऊंगा तो आपको
बताऊंगा कि ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन सेक्शन कौन सा है और इसके अंदर कहां पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब ये देखें, ये आपके पास कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए नजर आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम उसको शुरू करेंगे डिम के लफज से, DIM। ये डिम का जो लफज है, यहां से हम इसको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो लिखेंगे हम डिम। ये num डैश वन अंडरस्कोर वन, ये जो अंडरस्कोर वन है ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है, ये डिम इसका पार्ट है, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है। आगे हम लिखेंगे एज, आगे जो चीज लिखेंगे हम लिखेंगे एज, और ये वेरिएबल की टाइप है इंटीजर है। इट मींस कि इसके अंदर 0 to 9 से लेके 9 तक की वैल्यू स्टोर होगी। 0 से लेके 9 तक से मुराद ये है कि इसके अंदर डिजिट स्टोर होंगे। इसके अंदर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू, मसलन आपने अमाउंट सेव करनी है, आपने कोई एक्सपेंडिचर सेव करने हैं, कोई फिगर वर्क है, जहां पर अमाउंट्स आ जाएंगी, जहां पर फिगर आएगी, हम उस वेरिएबल की टाइप जो है वो वहां पर इंटीजर सेलेक्ट करेंगे। ये इसकी टाइप्स भी हम देखेंगे आगे। तो ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ये वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करना है इसको हमने शुरू करना है डिम से। आगे इसके जो अगला पार्ट है ये वेरिएबल के नेम का पार्ट है। एज हमने इसका एक रखा है वेरिएबल का नेम, और ये जो एज है इट इज द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। तो और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मीन ये है कि इसके अंदर कोई भी आप टेक्स्ट वैल्यू इसके अंदर आप रख सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू मसलन पाकिस्तान है, आपका नेम है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं भला, टेक्स्ट वैल्यू हैं। फिर ये एक और एग्जांपल नीचे आपको नजर आ रही है, इसी तरह डिम लिखा हुआ है, और ये जो रजिस्ट्रेशन DOB, ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है, और ये जो एज है ये हमारे पास सिंटैक्स का हिस्सा है। एज और डिम सिंटैक्स का हिस्सा है, और ये जो डेट है ये इस वेरिएबल की डेटा टाइप है कि इस वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर होगी। अगर आपने वेरिएबल के अंदर आपने डेट स्टोर करवानी है कि आज के डेट की जो को फॉर्म बना है जिसके अंदर डेट है, अमाउंट्स हैं, तो आपने जब डेट स्टोर करवानी है किसी वेरिएबल के अंदर तो आपने उसकी डेटा टाइप भी डेट रखनी है। ये हम डिटेल से देखेंगे आगे स्लाइड्स के ऊपर या अगले लेक्चर्स के अंदर कि वेरिएबल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिलहाल हम तीन टाइप्स ये आपके सामने नजर आ रही हैं, वेरिएबल की जो तीन टाइप्स हैं ये आपके पास नजर आ रही हैं, जिनके अंदर इंटीजर है। ये इंटीजर से मेन ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होगी। स्ट्रिंग जब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब पाकिस्तान आपने स्टोर करवाना है, आपने अपना नाम स्टोर करवाना है, आपने इसके अंदर कोई एड्रेस स्टोर करवाना है, तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप को, वेरिएबल की डाटा टाइप को स्ट्रिंग के तौर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने उसके अंदर वो डेट सेलेक्ट करनी है, डेट स्टोर करवानी है, तो हम डेट देखेंगे। ये ऐसे ही है जैसे हमने डेटाबेस के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर हम टेक्स्ट भी सिलेक्ट करते थे, हम उसके अंदर इंटीजर सिलेक्ट करते थे और हम उसके अंदर डेट सेलेक्ट करते थे। तो मुख्तलिफ जो है वेरिएबल हम डेटाबेस के अंदर भी बनाते थे और आगे हम उसकी डेटा टाइप भी सिलेक्ट करते थे। तो इस तरह विजुअल बेसिक के अंदर भी जब वेरिएबल्स बनेंगे तो फिर उसकी जो है उस हिसाब से ही डाटा टाइप्स भी वो स्टोर होंगी। जी तालबिलम, ये हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था आपके लिए।
यहां पर मैं आपको लिख के दिखाता हूं और वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, और मैं इसको खत्म कर देता हूं ताकि जरा आपको यहां पर कोई भी आप पहले जो मैसेज है वो आप लगा लें। कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट शुरू, फर्स्ट प्रोग्राम चला के देखते हैं इसको। तो ये मैसेज आपको नजर आ रहा है, जिसको करेक्ट कर लेते हैं। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लफ्ज़ लिखेंगे डिम, डिम, डिम के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो मैं इसका वेरिएबल का नाम लिखता हूं फर्स्ट। फिर हमने देखा था एज का लफ्ज़ यूज करेंगे और हम दूसरा लफ्ज़ यूज करेंगे इंटीजर, टी ई जी ई आर, ठीक हो गया। फिर मैं एक दूसरा डिम, सेकंड एससीसी यूज कर लेता हूं। सेकंड का लफ्ज महल रिजर्वर्ड के अंदर है, एससीसी एज इंटीजर, ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आपको रख के दिखाता हूं। मसलन फर्स्ट इज इक्वल टू फाइव, सेकंड इज इक्वल टू एसईसी इज इक्वल टू टेन। अब मैं आपको मैसेज के अंदर आपको दिखाता हूं कंसोल, इसकी वैल्यूज को शो करवाना, डॉट राइट लाइन और ब्रैकेट के अंदर आप लिख दें फर्स्ट, और कंसोल डॉट राइट लाइन इसके अंदर आप लिख दें सेकंड एसईसी, और ये प्रोग्राम ये आ रहा है आपके सामने नजर। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। यहां पर तालिबे इल्म आपको नजर आ रहा है कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा मैसेज पहले जो लाइन है ये वाली कंसोल की। उसके बाद हमने वेरिएबल्स लिया, दो वेरिएबल्स हमने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किए, ये हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए फर्स्ट और एसईसी के नाम से के ऊपर, और इसके अंदर हमने फर्स्ट इज इक्वल टू फाइव कर दिया, यानी इस वेरिएबल फर्स्ट का जो वेरिएबल है इसके अंदर हमने पांच वैल्यू को स्टोर करवा दिया है। और जो एसईसी का हमारा दूसरा वेरिएबल है हमने इसको अंदर 10 वैल्यू को स्टोर करवा दिया है, और फिर हमने इन दोनों वेरिएबल्स को कंसोल के ऊपर, ये जो आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है, ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन आपके पास नजर आ रही है, ये हमारे पास सारी कंसोल है, और कंसोल के ऊपर हमने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को हमने शो करवा दिया है। कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट और कंसोल डॉट राइट लाइन एससीसी। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज यहां पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमने इनकी वैल्यूज को कैसे आगे फर्दर मैनिपुलेट करना है, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, और हमने इनको स्क्रीन के ऊपर और किन किन वेज से डिस्प्ले करवाना है,
वो स्क्रीन के रिलेटेड, कंसोल के रिलेटेड कल जो है वो हम स्टेटमेंट्स इसके अंदर देखेंगे।